यादव के कुनबे पर ईडी के शिकंजे से सियासत सुलग उठी है। आज लालू यादव के करीब आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर पूरे दिन छापेमारी चली। शाम में अबू दोजाना के बाथरूम की टंकी और फॉल्स सीलिंग को तोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि इस फॉल्स सीलिंग को तोड़ने की कार्रवाई में कुछ अहम कागजात मिले हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची में लालू यादव और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर रेड से सियासी उबाल है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में लालू यादव के करीबी आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने पूरे दिन रेड के बाद शाम में फुलवारी शरीफ स्थित घर में तोड़फाड़ शुरू कर दी। शौचालय की टंकी और फॉल्स सेलिंग को तोड़ा गया, जहां से कई कागजात और रुपए मिलने के दावे किए जा रहे हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि अबू दोजाना के घर पे आप देखिए दोजाना जी के मौजूदगी में जो है उनका पार्क का एरिया है, उस पार्क एरिया में जो है खुदाई किया जा रहा है। आप देखिए अबू दोजाना मौजूद हैं, अबू दोजाना के साथ जो है ईडी के तमाम जो है अधिकारी जो मौजूद हैं और उनका जो पार्क का एरिया है उसमें जो है जमीन की जो है खुदाई की जा रही है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बाथरूम जो है उसके भी अंदर की जो है खुदाई जो है की जा रही है। ईडी को जो है पता लगा है कि जरूर इसमें कुछ सामान है और यही कारण है कि जो है लगातार जो है खुदाई जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर ईडी के शिकंजा से आरजेडी खेमे में आक्रोश है। आरजेडी के नेता ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी घबराहट में ये कार्रवाई करा रही है। कहां कहां छापेमारी चल रही है ईडी की और सीबीआई की हमको नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मालूम है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से दिल्ली का जो निजाम है घबरा गया है। अब घबराहट में ये कहीं ईडी का कार्रवाई कर रहा है, कहीं सीबीआई का कार्रवाई करवा रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है। देखिए ये बेशर्मी का हद है। आपने देखा होगा कि परसों रेड हुआ था, मतलब 3 दिन पहले रेड हुआ मैडम राबड़ी देवी जी के यहाँ, और उसके एक दिन के बाद पूछताछ के लिए सारे सीबीआई के टीम मीशा जी और आदरणीय लालू जी के पास पहुँच गए थे। वो लालू जी के पास जिनका उम्र 76-77 वर्ष हो चुका है और तुरंत अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके सिंगापुर से लौटे हैं, डॉक्टरों के लगातार निगरानी में हैं, किसी भी जनता जनार्दन या परिवार के सदस्यों से मिलने पर रोक है, वैसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए पहुंच गया। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार और कुनबा बुरी तरह से फंसता जा रहा है। महागठबंधन के घटक दल जेडीयू की दलील है कि जांच से ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही जांच क्यों? वहीं कांग्रेस भी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दे रही है। ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई दफा उन लोगों ने रेड की है, जांच की है, लेकिन क्या तथ्य सामने आए हैं इन बातों को जनता के सामने सार्वजनिक पटल पर कभी नहीं रखा है। इसी से तो शंका और गहरी होती है। हम लोग जांच या कार्रवाई के खिलाफ कभी नहीं होते हैं। किसी ने भी गड़बड़ी की है तो उनके विरुद्ध जांच की कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अब आप नई बात पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स ये तो चल रहा है उनका, और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी क्या क्या दे रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको बता दें यह करने से उनको कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि आपने युवकों को रोजगार नहीं दिया है, महंगाई रोकने में आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हुए। ईडी के एक्शन से आरजेडी में बौखलाहट है तो महागठबंधन के साथी भी केंद्र और बीजेपी को घेर रहे हैं, जबकि बीजेपी की दलील है कि जिसने गड़बड़ी की है उसकी ही पड़ताल चल रही है। सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है,
इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है, तो भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हैं वही लोग पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी सीबीआई काम कर रही है वो कानून के तहत काम कर रही है। अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, अभी ईडी ने उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट है, कोर्ट उसको देखेगा। करीब 15 साल पुराने केस में लालू परिवार और उनका पूरा कुनबा फंसता नजर आ रहा है। दो दिन तक सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ और शुक्रवार को ईडी का लालू यादव के करीबियों के 24 ठिकानों पर रेड से बिहार में सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी के पूर्व विधायक अबू